दोस्तों आज हम आपको फैक्ट्री की उस दुनिया में लेकर चलेंगे जहाँ कैसी कैसी और कमाल की चीजें बनती हैं, जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। दोस्तों आज की ये वीडियो बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर कोई जरूर देखे, क्योंकि हमारे खाने पीने की चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती हैं ये पता होना सबको चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा लाइक जरूर करें। डालडा, दोस्तों यह तो सबको पता है कि देसी घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों देसी घी हमेशा महंगा होता है, इसलिए लोग घी की दूसरी बिरादरी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह सस्ता होता है, जिसे हम और आप डालडा कहते हैं। मार्केट में मिलने वाले सस्ते डालडा या वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों ये घी फैक्ट्री में बनता कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये डालडा वनस्पति घी कई तरह की चुनिंदा पेड़ों से बनता है, बनाया जाता है, जैसे पानपोई, ताड़ के पेड़ की ओई या फिर चूरी के पेड़ से डालडा घी तैयार किया जाता है। दोस्तों घी बनाने से पहले इन पेड़ों के बीज का तेल निकाला जाता है, फिर इस तेल को मशीनों में फिल्टर किया जाता है, जिससे कि तेल के अंदर सारे विषैले पदार्थ खत्म कर दिए जाते हैं। फिर इस तेल को बड़ी सी भट्टी में पकाया जाता है और फिर इसके अंदर कुछ कलर व फ्लेवर अन्य कई तरह के पदार्थ मिक्स किए जाते हैं। फिर कुछ घंटों तक इस तेल को पकाने के बाद यह घी बनकर तैयार हो जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके इसको पैक करने का काम फिर शुरू किया जाता है। इस तरीके से आपका डालडा घी या वनस्पति घी तैयार किया जाता है। और दोस्तों कुछ लोकल कंपनियां अपने फायदे व ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पान की पोई या ताड़ के तेल के में मोम को भी मिला देते हैं, जिससे ऐसी लोकल कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए किसी भी लोकल कंपनी का घी ना खरीदें। कोको कोला, दोस्तों जो आप और हम कोको कोला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसे पीने से पहले आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर यह कोको कोला फैक्ट्री में कैसे बनती है। और कोको कोला बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े मिक्सर में कार्बन युक्त पानी को डाला जाता है, या फिर इसमें कैफ्रीन को भी डाला जाता है, और फिर इसमें एक मिठास देने के लिए शुगर को भी डाला जाता है, फिर इसमें फास्फोरिक एसिड को डाला जाता है। कोको कोला में स्वाद के लिए कोका पत्ती का अर्क भी मिलाया जाता है, और कोका कोला के अंदर गैस भरने के लिए सारी गैस के पाइपलाइन को कोल्ड ड्रिंक्स टैंक से अच्छी तरीके से फिट कर दिया जाता है। अब ये कोको कोला अच्छी तरह से मिक्स होकर कोल्ड ड्रिंक बनकर तैयार है। इसके बाद इन्हें मशीनों द्वारा बोतलों में और इन बोतलों पर ढक्कन लगाया जाता है, और कंपनी का लोगो भी लगाकर इसको अच्छी तरह से पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। एग्स फैक्ट्री, दोस्तों आप अंडे तो खाते ही हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अंडे मार्केट में आते कहाँ से हैं? तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि भारी मात्रा में अंडे की मार्केट के अंदर कैसे आते हैं। दोस्तों जब मुर्गियाँ 19 हफ्तों की हो जाती हैं, तो उन मुर्गियों को फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में या मुर्गी फार्म हाउस कहें, में जाने के बाद मुर्गियाँ अंडा देना शुरू कर देती हैं। मुर्गियों की देखरेख के लिए वहाँ मुर्गियों के हिसाब का टेम्परेचर या वातावरण कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि मुर्गियाँ हेल्थी रहें और खुश रहें, इससे अंडे की क्वालिटी बेहतर बनती है। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है। इनके भोजन में इन्हें सोयाबीन, गेहूं और चावल दिया जाता है, जिससे इन मुर्गियों को प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है। मुर्गियां पानी और नोजरी के जरिए पीती हैं, इसमें यहाँ नोजरी 1 फिट की होती है, जिसके जरिए यह मुर्गियां पानी पीती हैं। एक मुर्गी हर साल में लगभग 300 अंडे के आसपास देती है, और जब मुर्गियां अंडे देती है तो वह कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है, और जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है, और फिर सारे अंडे एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाकर मतलब इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए जाते हैं। अमूल मक्खन, दोस्तों आपने अमूल बटर तो बहुत खाया होगा, पर आपको यह नहीं पता होगा कि फैक्ट्री में उसे किस तरह बनाया जाता है। भारत के सभी घरों में अमूल बटर बहुत शौक से खाया जाता है, फिर चाहे वो ब्रेड के साथ या फिर गर्मा गर्म पराठों के साथ। अमूल का पिघलता हुआ मक्खन यह बटर खाने की शान को बढ़ा देता है। तो चलिए जानते हैं इस अटरली बटरली डिलीशियस के बारे में, किस तरह फैक्ट्री में ये बनाया जाता है। हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक गांव में बने अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में से कम 20 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री लेकर पहुंचती है। यहाँ फिर दूध की जांच की जाती है, और इस क्वालिटी की एश्योर होने के बाद ये दूध स्टोरेज टैंकों में पंप कर दिया जाता है। फिर इस दूध से बैक्टीरिया अलग किया जाता है, जिससे कि इस दूध का जो बैक्टीरिया अलग हो जाए और दूध अलग मतलब
दूध और मलाई को छाने की प्रक्रिया फिर की जाती है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाता है। अब इस क्रीम को 8 घंटों तक 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैच्योर किया जाता है। इसके बाद यह क्रीम चर्नर से में जाती है, जहां इसको बहुत तेज प्रेशर से घुमाया जाता है, जिससे बटर अलग और मट्ठा अलग हो जाता है। फिर इस बटर को ब्लेंडर में भेजकर इसमें नमक मिलाया जाता है, और जिससे अमूल बटर को अपना नमकीन टेस्ट मिलता है। अब मक्खन बनकर तैयार है, इसलिए अब इसका सैंपल लिया जाता है और इसकी सैंपल की जांच की जाती है, यानी चेक किया जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी पास होने के बाद इसकी पैकिंग की जाती है। यहाँ एक मशीन बटर पेपर को बिछाती है जाती है और एक बटर निकलकर उस पेपर पर रेक्टेंगल शेप में काट दिया जाता है, और दूसरी मशीन इसको तुरंत इसको पैक कर देती है। इस तरह आपका पसंदीदा मक्खन तैयार होता है। बियर, ज़्यादातर बियर को जौ, शक्कर और स्टार्च से मिलाया बनाया जाता है। इस जौ के साथ गेहूं और चावल का भी कुछ लोग कुछ कंपनियां हैं जो इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले तो इन बीजों को भिगोया जाता है, फिर इन जौ को भुना जाता है, जिसके बाद इससे लगभग 7 से 8 दिनों के लिए पानी में भिगो के रखा जाता है। मैं मतलब कहने का, इसको भूनकर पानी में गलाया जाता है लगभग 7 से 8 दिन के लिए, और यही कारण है कि बियर थोड़ी कड़वी लगती है। इसके बाद इसमें कुछ फ्लेवर मिलाया जाता है और उन जौ का रस निकाला जाता है, फिर इन बोतलों में भरकर उसमें कार्बोनेटेड गैस डाली जाती है। इस वजह से बियर खोलते वक्त झाग व गैस निकलती है, और फिर इन बोतलों पर लेबल लगाकर पैकिंग की जाती है। इस तरीके से आपकी बियर तैयार हो जाती है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है और कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।